श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवान जगन्नाथ जी किस प्रकार से प्रकट हुए थे, आज हम उस विषय में श्रवण करेंगे। श्री जगन्नाथ जी के प्राकट्य का कथा जो लीला है, इसका सबसे पहले जो ये लीला हुआ था, ये जो इतिहास हुआ था, ये सत्ययुग में हुआ था। हम लोग द्वापर में सुनते हैं, द्वापर के जो लीला है कि समस्त महिषियों को जब रोहिणी माता ब्रज के लीला श्रवण कराती है, उस समय श्री कृष्ण, श्री बलदेव जी और सुभद्रा जी का जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होने की कथा हम लोग श्रवण करते हैं। लेकिन स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण के जो पुरुषोत्तम महात्म्य खंड है, उसमें वर्णन आता है कि भगवान जगन्नाथ जी तो इसी स्वरूप में वे सत्य युग में प्रकट हुए थे। हाँ, आज जो स्वरूप है यही स्वरूप में जगन्नाथ जी सत्य युग में प्रकट हुए थे। तो सत्य युग में उस समय वो जो अवंती नगरी था, उज्जैन की सबसे प्राचीन अवंती नगरी, वहाँ पर महाराज इंद्रदुम्न राज करते थे सत्ययुग में। ये मध्य भारत में जो उज्जैन नगरी है, तो उस उज्जैन नगरी को प्राचीन अवंतीपुरी के नाम से जाना जाता था, और उस अवंतीपुरी में महाराज इंद्रदुम्न सत्ययुग में उनका राज्य शासन था, और उनके नानी रानी का नाम था गुंडीचा। बोलते राजा और रानी, महाराज इंद्रदुम्न और उनके महारानी गुंडीचा देवी, दोनों ही बड़े धार्मिक उत्तम भक्त श्रेणी के भक्त थे, लेकिन कोई संतान नहीं था उनका। निसंतान होने के पर भी विषय के प्रति उनका लेश मात्र भी कोई आसक्ति नहीं था, और इतने बड़े साम्राज्य के राजा होने के बावजूद भी विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होना, यही सबसे भगवान का बड़ा कृपा है। प्रचुर धन संपत्ति होने पर भी दोनों का विषयों के प्रति कोई आसक्ति नहीं था, विषयों के प्रति उदासीन रह करके बल्कि हमेशा भगवान की सेवा में ही लगे रहते थे। देखो, संतान नहीं होना, विषय होते हुए भी विषयों के प्रति आकृष्ट नहीं होना, इसको वे भगवान का कृपा समझते हैं। इसलिए जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी, उनका एक वाणी है कि जगत के अमंगल को, जगत में तो अनेक प्रकार के अमंगल होता है, बाधा होता है, विपत्ति होता है, कष्ट होता है, रोग होता है, शोक होता है, धन हानि होता है, पुत्र हानि होता है, बहुत विपत्ति है संसार में। तो जो लोग संसार के इस विपत्तियों को भगवान का कृपा समझते हैं, वास्तव में वे व्यक्ति भगवत कृपा प्राप्त करने का अधिकारी है। बल्कि इसी प्रकार महाराज इंद्रदुम्न भी सब कुछ होते हुए भी उनके प्रति उदासीन रहते थे, और दोनों राजा रानी हमेशा भगवान के सेवा में तत्पर रहते थे। लेकिन इतना सेवा करने के कारण हमेशा दोनों के हृदय में ये एक ही अभिलाषा था। क्या अभिलाषा है? कि हमको भगवान का दर्शन हो जाए।
प्रबल इच्छा थी दोनों की कि हमको भगवान के दर्शन हो जाए। और वास्तव में भगवान के दर्शन करने की अभिलाषा को लेकर के ही वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। संसार के पद पदवी प्रतिष्ठा धन संपत्ति ये सब का लक्ष्य लेकर के जीना कभी भी शांतिपूर्वक आदमी जी नहीं सकता, क्योंकि ये संसार के वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए पग पग पे दुख का कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। लेकिन लक्ष्य जिसका है भगवत प्राप्ति, भगवान को दर्शन करने का जिसका इच्छा है और इसी इच्छा को बलवती करके जो अपने जीवन व्यतीत कर रहा है, वास्तव में वे व्यक्ति परम सुखी है। उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का शोक नहीं आ सकता। तो इसी परिप्रेक्ष्य को अपने सामने रख करके श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते हैं ना, तुम्हार सेवा यो दुख होए जतो सेव तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अविद्या दुख। तो इसी प्रकार दिन रात वे महाराज इंद्रदुम और उनके रानी गुंडीचा मन ही मन प्रार्थना करते कि हमारे जीवन में वो दिन कब आएगा जब हमें साक्षात प्रभु का दर्शन प्राप्त होगा। स्वयं महाराज इंद्रदुम जितने भी तीर्थयात्री आते थे अपने साम्राज्य में, तो उन सबको ठहराने के लिए अपने महल के ठीक बगल में ही एक विशाल अतिथि गृह बना के रखे हैं कि तीर्थयात्री लोग आएंगे, संत लोग आएंगे, तो वो लोग मेरे महल के बगल में ही रहेंगे। ऐसा सोच के अपने महल के बगल में बड़ा विश्राम गृह अतिथि गृह बना के रखे हैं। एक रात क्या हुआ, कुछ तीर्थयात्री विश्राम करने के लिए आए, रात को आए, दिन में नहीं आए। जब सब लोग सो गए थे तभी दो चार तीर्थयात्री आते हैं और राजा के उस विश्राम गृह में रुकते हैं। तो वे तीर्थयात्री ऐसा एक श्रेष्ठ तीर्थ स्थान का दर्शन करके उस श्रेष्ठ तीर्थ स्थान में ऐसा मनोरम पूर्ण भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करके लौटे थे कि पूरे रात वो लोग वो विग्रह के बारे में ही चर्चा करते रहे। और वे विग्रह थे भगवान नीलमाधव जी, नीलमाधव जी के स्वरूप, उनके दर्शन का जो भी आकर्षणीयता है, माधुर्यता है, वो सब वे आपस में चर्चा कर रहे हैं, आपस में गुणगान कर रहे हैं। तो उन तीर्थयात्रियों का ऐसा भगवान के विग्रह के बारे में और उस विग्रह का हम नीलमाधव के बारे में वार्तालाप करते हुए सुना और उस ब्राह्मण ने जाके मंत्री को बताया और मंत्री ने जाकर के राजा इंद्रदुम को बताया। क्या बताया, महाराज कल रात कुछ तीर्थयात्री हमारे विश्राम गृह में रुके थे और वो लोग ऐसे एक विग्रह का भगवान नीलमाधव का दर्शन करके आए थे और उन विग्रह के गुणगान कर रहे थे और इस प्रकार से वो लोग चर्चा कर रहे थे कि वो नीलमाधव भगवान का दर्शन जो करता है वो इस मृत्युमय संसार में वापिस लौट के नहीं आता है, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है, फिर कभी इस मृत्युमय इस प्राकृत जगत में उसको आना नहीं पड़ता है। अरे दर्शन करने की तो बात किया, अगर कोई व्यक्ति मन मन में ये संकल्प भी कर ले मैं कल उस नीलमाधव भगवान का दर्शन करने जाऊंगा, इस प्रकार का मन मन में भी अगर कोई संकल्प करता है और रात को सोते सोते उसका प्राण छूट जाता है, तो वह व्यक्ति भी सीधे चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के वैकुंठ को प्राप्त करता है।
ऐसा। तो मंत्री जाकर के राजा को ये सारी बातें सुनाया कि महाराज वो तीर्थयात्री ऐसे ऐसे वो भगवान के बारे में बता रहे थे। और राजा तो सुन करके, महाराज इंद्रजुम्मा सुन करके बड़े आनंदित होते हैं, उनका आनंद की सीमा नहीं रहता कि जिस भगवान के दर्शन करने का उत्कंठा लेकर के हम जीवित हैं, उस भगवान का संधान तो किसी प्रकार थोड़ा थोड़ा मिला है। इसलिए महाराज इंद्रजुम्मा कहते हैं, अच्छा उन विग्रहों का नाम क्या है, वे किस स्थान पर विराजमान है, मैं भी अपनी रानी को लेकर के, समस्त प्रजा को लेकर के उन नीलमाधव भगवान का दर्शन करने जाऊंगा। मंत्री ने कहा, महाराज उन विग्रह का नाम नीलमाधव है, किंतु मुझे ये नहीं पता कि वे कहाँ विराजमान है। तब राजा इंद्रदुम्न कहता है, तुम अब देर मत करो, तुम अभी के अभी शीघ्रता पूर्वक उन अतिथि भवन में जाओ और उन तीर्थ यात्रियों से पता लगाओ कि वे भगवान नीलमाधव किस स्थान पर विराजमान रहते हैं, कहाँ पर विराजित है भगवान नीलमाधव जी। अभी मंत्री के मुख से ही तो सुना, मंत्री भी और किसी के मुख से सुना था, और जिसने बोला वो भी उन तीर्थयात्रियों से सुना था, मतलब चार मुख आ गया। तो मंत्री के मुख से सुनने के बाद महाराज इंद्रद्युम्न उनके हृदय में हमेशा उस नीलमाधव विग्रह का दर्शन करने के लिए तीव्र उत्कंठा जागृत हो रहा था। और मन ही मन महाराज इंद्रद्युम्न सोच रहे थे कि मैं किस प्रकार से नीलमाधव जी का दर्शन प्राप्त करूंगा, वे कहाँ विराजमान है, क्या वे तीर्थयात्री हमें बताएंगे कि भगवान नीलमाधव किस स्थान पर विराजमान रहते हैं, उनके विषय में क्या हमें वे बताएंगे। इस प्रकार अनेक प्रकार की चिंता अपनी मन में महाराज इंद्रद्युम्न कर रहे हैं और अधीर हो रहे हैं। जब तक मंत्री वापिस नहीं आता वहाँ से, वे अधीर हो रहा है। मंत्री जाकर के अतिथि भवन में उन तीर्थयात्रियों का पता लगाता है तो उनके स्थान पे दूसरे तीर्थयात्री थे, और वे कहते हैं कि आप जिन तीर्थयात्रियों को यहाँ ढूंढने आए हो वे रात को ही यहाँ से चले गए थे, रात को आए और क्या आपने फुटुर फटुर करते रहे और रात को चले गए, ये कोई तीर्थयात्री नहीं था, ये स्वयं भगवान नीलमाधव ही अपने रूप का विस्तार करके तीर्थयात्रियों के रूप में वहाँ पर आते हैं और स्वयं के महिमा का, स्वयं के महात्मा का गुणगान करते हैं, और ये संवाद किसी ना किसी प्रकार से राजा के पास पहुँचाते हैं। क्योंकि भगवान नीलमाधव ऐसे स्थान में विराजित है, वहाँ पर राजा विश्वावसु को छोड़ करके दूसरा कोई दिखाई नहीं है। तो ये चार पांच तीर्थयात्री कैसे वहाँ से दर्शन करके आ जाएंगे, इसलिए ये स्वयं भगवान नीलमाधव ही है। अभी मंत्री ने जाकर के राजा को सारी संवाद सुनाया, मंत्री के मुख से राजा सुनकर के बड़ी दुखी हुए और उन्होंने स्वयं भगवान नीलमाधव के श्री विग्रह को ढूंढने के लिए निश्चय किया। क्या किया, महाराज इंद्रद्युम्न ने उनके पुरोहित का जो पुत्र है, बड़े विद्वान है, नाम है उनका विद्यापति, उनको और अन्य कर्मचारियों को, सेनापतियों को बुला करके वे सबको अलग अलग दिशाओं में नीलमाधव जी के श्री विग्रह को ढूंढने के लिए आदेश देते हुए क्या कहते हैं कि तुम में से कुछ व्यक्ति पूर्व दिशा में जाओ, कुछ पश्चिम में जाओ, कुछ दक्षिण में जाओ, और सर्वत्र नीलमाधव जी का
संदेश प्राप्त करने के लिए उनको ढूंढो, ढूंढने का प्रयास करो। बोलते हैं तुम लोगों को यदि श्री विग्रह के विषय में पता चल जाए तो बहुत अच्छा है, और पता नहीं चले तो 3 मास के अंदर में सब लोग वापिस आ जाना। कहते हैं जो व्यक्ति नीलमाधव जी के श्री विग्रह के विषय में मुझे सूचित करेगा, उसको मैं अपार धन संपत्ति और उच्च पद पदवी दे करके उसको मैं अलंकृत करूँगा। अभी महाराज इस प्रकार संकल्प किया, और राजा जब संकल्प किया है तो कितना देगा, जो जो कर्मचारियों को लगा था सब लोगों ने बड़े निष्ठापूर्वक उत्साहित होकर के सब कर्मचारियों ने जिसको जिस जिस दिशा में जा करके नीलमाधव जी का ढूंढने के लिए निर्देश मिला था सब लोग तत्परता के साथ अपने काम में लग गए। और विद्यापति ये देखने में बड़े सुंदर थे, सद्गुण से युक्त थे, ये क्या करते हैं, ये पूर्व दिशा में अकले जाते हैं, बाकी कर्मचारियों को तीनों दिशा में भेज दिया और विद्यापति जी को वे स्वयं अकले पूर्व दिशा में जाते हैं। अभी 3 महीना बीत गया, 3 महीना बीतने के बाद विद्यापति तो नहीं आए, बाकी जितने कर्मचारी सेनापति गए थे सब असफल होकर के वापिस लौट आए। राजा को बड़े चिंता सताने लगा, एक तो भगवान नीलमाधव का कुछ पता नहीं चला और दूसरा विद्यापति के विषय में भी कोई संवाद नहीं था कि वो कहाँ है, कहाँ गया, और इस विषय में राजा को बताने वाला भी कोई नहीं था। उधर विद्यापति जी बोलते हिंद महासागर के तट पर पहुंच गए, भारतवर्ष के पूर्व में हिंद महासागर है, उसके तट पर पहुंच गए और वहां पर नीलमाधव जी के श्री विग्रह को ढूंढने के लिए वो बहुत प्रयास करते हैं, हमेशा भ्रमण करते रहते हैं कि भगवान नीलमाधव का दर्शन कहाँ मिल जाएगा। एक दिन वे महासागर के तट पर एक गांव देखा, गांव बड़े सुंदर था, हरा भरा पेड़ पौधों से पर्वतों से बेष्टित था। उस गांव के जो चारों तरफ वृक्ष थे वे फलों से पुष्पों से लदे हुए थे, और उस गांव के रहने वाले जो बासिंदा है, जो निवासी है, वे भी अत्यंत सभ्य थे। वे गांव में जब विद्यापति पहुंचते हैं तब शाम हो गया था, संध्या का समय हो आया था, इसलिए विद्यापति जी ने उस गांव में ही विश्राम करने के लिए निश्चय किया। और गांव के रहने वाले कुछ निवासियों से पूछते हैं कि मैं आज रात इस गांव में विश्राम करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ रहने के लिए कोई व्यवस्था हो सकता है? तो ग्रामवासियों ने उत्तर दिया कि इस गांव में जो भी आता है तीर्थ यात्री, जिसको भी रुकना होता है, हमारे गांव के जो प्रधान है विश्वावसु, सबर जाति के होने पर भी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के है, विद्वान है, विनम्र है और उदार चरित्र के व्यक्ति है विश्वावसु। बोलते उन हमारे गांव के प्रधान विश्वावसु के घर में सब अतिथि लोग जाते हैं और वहीं पर ठहरते हैं, इसलिए आप निसंकोच उनके घर पर जाइए। जब विद्यापति विश्वावसु के घर पर पहुंचा और दरवाजा को ऐसे ऐसे खटखटाया, तब अंदर से विश्वावसु के पुत्री जो कि 16 वर्ष की थी, परम सुंदरी थी और नाम था ललिता, वे दरवाज़ा खोल करके बाहर आई और कहती है
कि इस समय मेरे पिता घर में नहीं है, वे बाहर गए हैं। वे जैसे ही घर में आएंगे आपके सारी व्यवस्था वे कर देंगे, कृपया आप घर के बाहर में उनका प्रतीक्षा करें। अभी कुछ समय बाद विश्वावसु घर लौटते हैं और उनको उनके देह से बड़े मधुर सुगंध आ रहा था। किसके? विश्वावसु जी के। और उनके माथे पे सुगंधित तिलक शोभा पा रहा था। तो विश्वावसु जी अपने घर के बाहर में अतिथि को इस प्रकार देख करके कहते हैं कि क्षमा करना, मेरे आने में देर हो गया, कृपया आप भीतर आइए। तब विश्वावसु ने और उनके पुत्री ने उस अतिथि को घर के अंदर ले गए और विद्यापति के इस प्रकार सुंदर रूप को देख करके, इनके सौम्य स्वभाव को देख करके विश्वावसु जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने विद्यापति से कहते हैं कि यदि आप चाहें तो आप कुछ दिन यहाँ पर निसंकोच आराम से रह सकते हैं। और उन्होंने अपने पुत्री ललिता से कहा कि इस ब्राह्मण का आदर सत्कार करो, इसके खाने पीने का सारी व्यवस्था, जो भी आवश्यकता की बात वस्तु है, तुम्हारा ड्यूटी है, तुम ध्यान रखना। इस ब्राह्मण को हमारे घर में किसी वस्तु की कोई अभाव नहीं होना चाहिए। अभी विद्यापति ने विश्वावसु राजा के घर में भोजन किया, भोजन के उपरांत विश्राम किया। तो विश्वावसु विद्यापति जी जब विश्वावसु की प्रतीक्षा करते हैं और उनके घर बाहर बैठे थे, तो घर के बाहर बैठे बैठे विद्यापति जी को पता चल गया था कि इस घर के अंदर से इतना सुंदर सुगंध किस चीज़ का आ रहा है। जब पहले आकर के घर के बाहर बैठे थे, ललिता तो बोल के अंदर चली गई, लेकिन जैसे ललिता दरवाज़ा खोली थी तो घर के अंदर से एक अद्भुत सुगंध आ रहा था। और जब विश्वावसु जी बाहर से घर के सामने आए तो वे सुगंध और अधिक बढ़ गया था। तो विद्यापति जी मन ही मन विचार करते हैं कि ये इतना सुंदर मन को मोह लेने वाला सुगंध ये कहाँ से आ रहा है। बोलते मैंने इससे पहले अपने जीवन में ऐसा सुगंध कभी आग्रहण नहीं किया था, कभी अनुभव नहीं हुआ था। और सोचते हैं कि मुझे कुछ दिन यहाँ पर प्रतीक्षा करनी चाहिए। हो सकता है कि नीलमाधव के विषय में कुछ यहीं से ही पता लग जाए। ऐसा सोच करके विद्यापति जी ने कुछ दिन तक वहाँ पर विश्वावसु के घर में रहे और आसपास इधर उधर जिस उद्देश्य से आए हैं नीलमाधव जी को ढूंढने के लिए जाते थे। अभी काफ़ी दिन हो गया ललिता विद्यापति का सेवा कर रही है। सेवा करते करते बोलते ललिता की विद्यापति के प्रति प्रीति हो गया और विद्यापति भी उस घनिष्ठता के बढ़ने से धीरे धीरे दोनों का वो घनिष्ठता प्रेम में परिवर्तित हो गया। और ललिता के प्रति इस प्रकार विद्यापति का अत्यंत प्रेम होने के कारण, यद्यपि विद्यापति पहले से विवाह कर चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए विश्वावसु से ललिता के साथ विवाह करने का अनुमति मांगते हैं। और देखते हैं कि मुझे यहीं से ही
नीलमाधव जी का संधान मिलेगा। इसलिए किसी भी प्रकार से हो मुझे नीलमाधव जी का संदेश लेकर के ही वापिस जाना है। अभी विश्वावसु भी देखते हैं कि विद्वान है, ब्राह्मण है, सौम्य स्वभाव है, सुंदर है, तो उन्होंने उस विवाह के प्रस्ताव में हामी भर दिया और उस गांव में बड़े धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विश्वावसु जी प्रत्येक दिन बाहर जाते थे, सुबह जाते थे और शाम को वापिस आते थे, और जब वापिस आते थे बड़े प्रसन्न चित्त रहते थे और उनके शरीर से ये अद्भुत सुगंध प्रत्येक दिन आती थी। एक दिन विद्यापति एकांत में ललिता से कहती है कि ललिता देखो तुम मेरे पत्नी हो और तुम पर मुझा मेरा पूर्ण विश्वास है, क्या तुम मुझे इस बात बता सकती हो कि तुम्हारे पिताजी प्रत्येक दिन पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं और जब वापिस आते हैं इस प्रकार के विचित्र सुगंध ये कहाँ से आती है। तो ललिता कहती है मैं इस बात आपको नहीं बता सकती हूँ, मेरे पिताजी का आज्ञा है कि ये रहस्य किसी को भी नहीं बताया जाएगा क्योंकि ये अत्यंत गोपनीय विषय है। तब विद्यापति कहते हैं क्या तुम मुझे भी नहीं बता सकती हो, तुम तो मेरे पत्नी हो, मेरे अर्धांगिनी हो, मुझसे अभिन्न हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, इस कारण हमारे बीच में कोई कितनी भी रहस्य की बात हो, गोपनीय की बात हो, नहीं रहना चाहिए, एक दूसरे का दिल बिल्कुल खुल के रहना चाहिए। अब ललिता कहती है ठीक है लेकिन आप मुझे वचन दीजिए, मैं तो इस रहस्य को आपको बता दूंगी लेकिन आप वचन दीजिए कि आप किसी के सामने इस रहस्य को नहीं बोलेंगे, नहीं प्रकट करेंगे। विद्यापति कहता है ठीक है कि देखो पत्नी को इस प्रकार अपने पति के ऊपर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। उन्होंने हामी नहीं भरा कि मैं नहीं बताऊंगा किसी को, उन्होंने ललिता को समझा क्योंकि वो तो बताने के लिए ही आए हैं, ये एक संदेश लेकर के फिर राजा को बताने के लिए ही उनका उद्देश्य है, कैसे बोल देंगे कि नहीं बताऊंगा। वे बोलते हैं कि पत्नी को इस प्रकार अपने पति के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए और मैं जानता हूँ कि तुम एक पतिव्रता स्त्री हो, इसलिए ये बात तुम्हें मुझको बता देनी चाहिए। ऐसा बोल करके विद्यापति मौन हो जाते हैं। तब ललिता कहती है अच्छा ठीक है मैं आपको बतला रही हूँ, मेरे पिताजी भगवान के एक बड़े सुंदर श्रीमूर्ति का अर्चन पूजन करने के लिए जाते हैं। विद्यापति कहते हैं अच्छा वो कौन सा मूर्ति है। ललिता कहती है कि मैंने अपने पिताजी को इस रहस्य को प्रकट नहीं करने का वचन दिया था लेकिन आप मेरे पति हो इसलिए मैं आपको बतला रही हूँ, वे विग्रह है भगवान नीलमाधव जी। उन नीलमाधव जी का प्रत्येक दिन अर्चन पूजन करने के लिए मेरे पिताजी जाते हैं। अभी नीलमाधव जी का नाम सुनते ही विद्यापति तो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और क्या सोचते हैं अंततः इन सुखाकानों में इतने दिनों के बाद उस नीलमाधव जी का मधुराति मधुर नाम सुनने को तो मिला, बल्कि नीलमाधव अवश्य कहीं यहीं आसपास होंगे जहाँ पर मेरे ससुर विश्वावसु प्रत्यह जा करके वो अपूर्व सुगंध के साथ वापिस आते हैं। अब विद्यापति
ललिता को पहले जितना प्यार करता था अब उससे ज़्यादा अत्यधिक प्रेम दिखाने लगा, और अत्यधिक प्रेम के पूर्वक व्यवहार को देख करके ललिता ने अंत में उनको नीलमाधव जी के विषय में जितने बात है सारी बातें बतला दिया। विद्यापति ललिता से बड़े विनम्र स्वर से कहते हैं कि प्रियतमे, तुम अपने पिताजी से निवेदन करो कि एक दिन वे मुझे भी अपने साथ नीलमाधव जी का दर्शन कराने के लिए लेके जाएंगे। ललिता कहती है, ठीक है स्वामी, मैं हर संभव आपकी सहायता करूंगी। अभी संध्या के समय में जब विश्वावसु जी भगवान नीलमाधव जी का पूजा करके वापिस आए और प्रसाद पाने के बाद ललिता रात को अपने पिताजी के पास जाती है और बड़े स्नेह से प्रीति के साथ कहती है, पिताजी मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। विश्वावसु कहते हैं, देख तुम मेरे एक ही संतान हो, एक ही पुत्री हो, आज तक तुमने जो कुछ मांगा मैंने कभी मना नहीं किया, इसलिए मांग, तुम्हारा जो इच्छा है तुम मांग सकती हो। तब ललिता कहती है, मैं आपसे कुछ विशेष वस्तु मांगना चाहती हूँ। बोलते मैं जानती हूँ कि आपको उस वस्तु को मुझे देने में बड़े कठिन होगा, संकोच होगा, परंतु पिताजी वो मुझे आपको देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। विश्वासु कहती है, अरे बताओ तो पहले क्या चाहती हो तुम। तब ललिता कहती है, पिताजी मेरे पति नीलमाधव जी के दर्शन करने के लिए बड़े लालायित है, उनके हृदय में नीलमाधव भगवान का दर्शन करने के लिए अत्यधिक उत्कंठा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने साथ मेरे पति को ले जा कर के उनका दर्शन कराइए। अभी विश्वावसु ये बात सुनते ही बड़े गंभीर हो जाती है और विचार करते हैं कि विद्यापति को भगवान नीलमाधव जी का दर्शन कराने के लिए ले जाना उचित होगा या नहीं होगा, क्योंकि वे जानते थे यदि कोई अनधिकारी व्यक्ति नीलमाधव जी के दर्शन करने के लिए पहुंच जाएगा तो भगवान वहां से अंतर्धान हो जाएंगे, अप्रकट हो जाएंगे भगवान, इसलिए अन्य किसी व्यक्ति को वहाँ ले जाने के लिए हमेशा विश्वावसु डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि कहीं नीलमाधव जी अप्रकट ना हो जाए, इस प्रकार का भय विश्वावसु राजा को सताने लगा। अरे खाना पीना जो छोड़ दिया विश्वावसु जी ने, अभी अपनी पुत्री को वचन दे दिया कि तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा, और नीलमाधव जी के बिना विश्वावसु से रहा नहीं जाएगा, इसलिए वे बड़े दुखी होकर के गंभीर होकर के कुछ दिन तक तो खाना पीना छोड़ दिया। अभी ललिता भी इस बात पे अड़ी हुई है कि यदि आप मेरे पति को नीलमाधव जी का दर्शन करने के लिए साथ नहीं ले जाएंगे तो मैं अभी के अभी प्राण त्याग दूंगी। इस बात को तो सुन करके मानो विश्वावसु के सिर पे वज्र गिर गया। एक तो पुत्री के मृत्यु का डर, दूसरी भगवान नीलमाधव जी के अंतर्धान हो जाने का डर। अरे वो विष ले लिया हाथ में, ललिता ने हाथ में विष लेकर के उसको पीने के लिए उद्यत भी हो गई। यही तो स्त्रियों का सबसे बड़ी शक्ति है,
सबसे बड़ी अस्त्र है कि मैं प्राण त्याग दूंगी, मैं विष खा लूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं अमुक कर दूंगी, ढिमुक कर दूंगी, हैं। अभी उनके इस प्रकार कहने पर उनके पिता और देर नहीं किया और अंततः वे ललिता के उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए विश्वावसु बाध्य हुए और कहते हैं तुम जैसा चाहती हो वैसे ही होगा। लेकिन विश्वावसु जी ये गहन चिंता में डूब गए कि अनधिकारी व्यक्ति को वहाँ ले जाकर के नीलमाधव जी का दर्शन कराने से कहीं भी अप्रकट ना हो जाए, अगर अप्रकट हो गए तो मैं अपने आप को भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार द्वंद में पड़े हुए लंबे लंबे गरम गरम सांस ले रहे हैं विश्वावसु जी। एक और उनके पुत्री के प्रति स्नेह और दूसरी ओर नीलमाधव जी का भावी विरह का आशंका। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने पुत्री से कहा, पुत्री मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने प्राण को त्यागो, इसलिए मैं तुम्हारे पति को नीलमाधव जी के दर्शन करने के लिए अवश्य ले जाऊंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। शर्त क्या है? कि मैं चलते समय तुम्हारे पति विद्यापति की आंखों में काली पट्टी बांध दूंगा और वहां पहुंचने पर उसके आंखों से काली पट्टी हटा करके उसको दर्शन कराऊंगा। ठीक उसी प्रकार दर्शन के उपरांत जब वापिस आएंगे तो उनके आंखों में फिर काली पट्टी बांध दूंगा, जिससे कि विद्यापति को ये नहीं पता चले कि नीलमाधव भगवान किस स्थान पर निवास कर रहे हैं। अभी ललिता विद्यापति के पास जाकर के कहती है कि पिताजी आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए हैं, किंतु उन्होंने यही शर्त रखा कि आपको नीलमाधव जी के दर्शन करते करने के लिए ले जाते हुए आपकी आंखों पर काली पट्टी बांध देंगे ताकि आपको नीलमाधव जी के वासस्थान का पता ना चले। क्यों? परंतु विद्यापति इस बात को सुनकर के अत्यधिक उल्लास आनंद तो होता है कि मुझे भगवान नीलमाधव जी का दर्शन तो कम से कम मिल जाएगा। तो कहती है ललिता आपको तो मतलब है नीलमाधव जी का दर्शन करने से, मार्ग से तो कोई लेना देना नहीं है रास्ते से, इसलिए आपको जहाँ कहीं से कैसे भी ले जाए, आंख बंद करके ले जाए, आंख को बांध करके ले जाए, आपको तो दर्शन करना है। अभी ललिता के बात सुन करके विद्यापति बड़े प्रसन्न होते हैं और वे अपने आँखों पर उस काली पट्टी बंधवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसी रात को विद्यापति अपनी पत्नी ललिता से कहते हैं, प्रिय क्या कोई ऐसा योजना ऐसा उपाय हो सकती है जिससे मैं फिर कभी अगर दर्शन करने के लिए जाना चाहूँ तो तुम्हारे पिता के बिना मैं अकेले जाकर के नीलमाधव जी के दर्शन करके वापिस आ जाऊँ। तो ललिता कहती है ठीक है, मैं सोचती हूँ, अगर मेरे दिमाग में ऐसा कोई बात आएगा तो मैं आपको अवश्य बताऊंगी। अभी अगले दिन सुबह सुबह ललिता एकांत में अपने पति विद्यापति से कहती है, कपड़े में सोरसों का दाना का एक पोटली बांध करके देती है और कहती है कि आप इस सोरसों के दाना को छिपा करके रखना और आपको मेरे पिताजी जिस रास्ते पे ले के जाएंगे आप एक एक दाना गिरा गिराते 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 चलना। वर्षा ऋतु जब आएगा तो उस सोरसों के दाने से
सुंदर सुंदर पौधा आएगा, पीले पीले फूल आएगा। अब आप जो है उस पौधों के अनुसरण करते करते अकेले में जा कर के नीलमाधव जी के पास पहुंच जाना। तुमको फिर किसी को उस रास्ता पूछने की या किसी के साथ जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अभी ललिता के बुद्धि को देख करके विद्यापति बड़े प्रसन्न होते हैं और अधिक प्यार करने लगते हैं ललिता को, और अधिक प्रीति करने लगते हैं। तो उसी दिन जब विश्वावसु नीलमाधव जी का पूजा करने के लिए जाने लगी, तब ललिता अपने पिता से कहती है, पिताजी आप अभी इसी वक्त इनकी आंखों में काली पट्टी बांध करके आप इन्हें भी साथ ले जाइए। तब विश्वावसु ने विद्यापति को एक बैल की गाड़ी में बिठा करके उनके आंखों पर काली पट्टी बांध करके ले गए। सीधे रास्ते में नहीं गए विश्वावसु जी, विद्यापति को वो बैलगाड़ी में बिठाए, टेढ़े मेढ़े रास्ते में घूम घुमा फिरा करके ले जाते हैं। और जिस जिस रास्ते पे विद्यापति को लेके जा रहे हैं, विद्यापति एक एक सरसों की दाना वहाँ गिराते गिराते जा रहे हैं। विश्वावसु को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। जैसे ही उस पर्वत के चोटी पर पहुँचते हैं तो विश्वावसु बैलगाड़ी को नीचे रखते हैं और विद्यापति के हाथ को पकड़ करके पर्वत के ऊपर तक ले जाते हैं और वहाँ भगवान नीलमाधव जी के मंदिर में पहुँचते हैं। मंदिर में पहुँच करके विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों में जो काला पट्टी बांध के रखा रखा था उसको हटा दिया, जिससे कि भगवान नीलमाधव का दर्शन कर सके। अभी वहाँ पर भगवान नीलमाधव जी के चतुर्भुज विग्रह था, उन्होंने अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखे थे। भगवान श्रीमाधव नीलमाधव जी का ऐसे अत्यंत मनोहर रूप था कि उन रूप के सामने किसी की भी समानता नहीं की जा सकती। बल्कि ऐसे रूप को देख करके विद्यापति जी रोने लगे कि मैं इतने लंबे समय से, इतनी महीनों से इन्हीं को ढूंढ रहा था और आज इनके दर्शन प्राप्त करके मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हूँ, मेरा जीवन सार्थक हो गया है। तब विश्वावसु ने विद्यापति से कहते हैं, तुम कुछ समय यहाँ मंदिर में नीलमाधव जी के सामने बैठो, मैं थोड़ा वन में जाकर के, जंगल में जाकर के पूजा के लिए पुष्प फल वगैरह जो भी पूजा की सामग्री है उसको मैं एकत्रित करके लाता हूँ, फिर मैं श्री विग्रहों के चंदन के द्वारा, दूसरे दूसरे पूजा के द्रव्यों के द्वारा अर्चन करूँगा, अर्चन करने के बाद फिर हम घर को वापस जाएंगे। ऐसा कह करके विश्वावसु जी वन में चले गए। अभी विश्वावसु की प्रतीक्षा कर रहे विद्यापति जी क्या करते हैं, मंदिर के बगल में ही आकर के देखते हैं कि बड़े सुंदर सरोवर है और वे सरोवर में बल्कि विशाल विशाल कमल के पुष्प सुशोभित हो रहा है और उन पुष्पों पर भौरे गुंजार रहे हैं और चारों तरफ सुंदर सुंदर पक्षियां टहटहा रही है। लेकिन उस सरोवर के किनारे में एक आम का वृक्ष था और उस आम के वृक्ष के एक डाली पे एक कौवा बैठा था, काला कौवा बैठा था। विद्यापति जी देख रहे हैं, उनके देखते देखते वे कौवा उस सरोवर में गिर गया और सरोवर में गिरते ही उसके शरीर छोड़ दिया और वही जगह पे वे कौवा बोलते हैं चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गया। इतना ही नहीं, साक्षात गरुड़ जी रथ लेकर के आए
और उस चतुर्भुज रूप धारण व्यक्ति को वे सीधे वैकुंठ ले गए। अब विद्यापति सोचते हैं कि देखो इस कौवा का भक्ति का कोई साधन नहीं था, कौवा सहज रूप से क्या करता है, लेकिन उसने इस सरोवर के जल को स्पर्श करते ही वैकुंठ प्राप्ति हो गया। इस कौवा ने कोई पुण्य कार्य भी नहीं किया था। साधारण कौवा जिस प्रकार से क्या खाते, मांस खाते हैं, अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करते हैं, ऐसा अपवित्र पक्षी था, लेकिन उस सरोवर में गिरने मात्र से ही उसकी श्रेष्ठ गति हुई। इसलिए विद्यापति सोचते हैं कि मैं भी क्यों नहीं इस सरोवर में प्राण त्याग दूं और सीधे वैकुंठ में चले जाऊं। ऐसा सोच करके विद्यापति उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गई और चढ़ करके उस सरोवर में कूदने के लिए तैयार हो गए। जैसे सरोवर से नीचे सरोवर में कूदने वाले ही थे पेड़ से, ऐसे ही आकाशवाणी हुआ। क्या होता है आकाशवाणी में कि केवल मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ जाने के लिए आत्महत्या मत करो, तुमको संपूर्ण जगत के मंगल के लिए अनेक महत्वपूर्ण सेवा करनी है, तुम धैर्य धारण करो, समय आने पर तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तुम शीघ्र ही यहाँ से जाओ और महाराज इंद्रदुम को नीलमाधव के यहाँ होने का सूचना दो। इतने में विश्वावसु जी बोलते बहुत से पुष्प पूजा के सामग्री लेकर के वहाँ लौट आते हैं और पूजा के समय में उन्होंने विद्यापति को अपने पास बुलाते हैं कि तुम यहाँ बैठो। लेकिन विद्यापति जी ने इस बीच में जो भी घटना हुआ था उस घटना के बारे में विश्वावसु को कुछ नहीं बताया। विश्वावसु जी चंदन पुष्प ये सब सामग्रियों के द्वारा दिन भर पूरे दिन नीलमाधव जी का पूजा करते हैं, स्तव स्तुति करते हैं, सुबह से शाम तक यही काम रह जाता विश्वावसु जी का। लेकिन विद्यापति जी ये तो पहले अपने पत्नी से ललिता से नीलमाधव जी की जो महिमा है उसको श्रवण करके नीलमाधव जी का दर्शन करने के लिए अत्यधिक लालायित था, अभिलाषी थे। अब साक्षात नीलमाधव जी के वासस्थान को देख करके, उनके उस श्री मंदिर के ऐसे महात्म्य को देख करके, ऐसा आश्चर्यजनक महात्म्य कि कौवा गिरते ही वहाँ से मुक्ति प्राप्त कर गया देख करके विश्वा विद्यापति तो बड़े मुग्ध हो जाते हैं और अपने ससुर को नीलमाधव जी की प्रेम पूर्वक सेवा करके देख करके वे तो और भी अत्यधिक प्रफुल्लित हो जाते हैं कि पूरे दिन पूजा अर्चन स्तव स्तुति ऐसी सेवा। जैसे पूजा समाप्त हुआ विद्यापति के आंखों में विश्वावसु ने पुनः उस काला पट्टी बांध देते हैं और वो दोनों वापिस घर की ओर चल पड़ते हैं। बोलते अभी बैलगाड़ी जिस टेढ़े मेढ़े रास्ते पर लिया था ऐसे ही टेढ़े मेढ़े रास्ते में लेते लेते कई घंटा के बाद उन्होंने घर में पहुंचते हैं और उस रात्रि में नीलमाधव जी ने स्वप्न में विश्वावसु से कहा। क्या कहा, विश्वावसु यद्यपि तुमने दीर्घ समय से लंबे समय से मेरे सेवा कर रहे हो तो मैं तुम्हारे ऊपर अत्यधिक प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ, फिर भी अब मैं अपने प्रिय भक्त महाराज इंद्रदुम के द्वारा भव्य और राजसिक सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ।
लेकिन तुम चिंतित मत हो ना, मन में शोक नहीं करना, क्षोभ नहीं करना। ऐसा भगवान नीलमाधव जी ने विश्वावसु को सपना देते हैं। जैसे ही विश्वावसु का सपना टूटता है, विश्वावसु अत्यंत विचलित हो जाते हैं और सोचते हैं, ओहो, आप मेरे प्राण स्वरूप, मेरे जीवन स्वरूप नीलमाधव जी महाराज इंद्रद्युम्न के पास चले जाएंगे, मैं उनसे दूर होने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। यद्यपि भगवान नीलमाधव ने मुझे चिंता रहित होने के लिए, चिंता नहीं करने के लिए कहा है, लेकिन ये कैसे संभव है कि मैं उनके बिना निश्चिंत हो रह कैसे रह सकता हूँ। तो इस प्रकार विश्वावसु मन ही मन इस विषय पर बड़े गंभीरता से विचार कर रहे थे और उन्होंने उस सपनों के बाद किसी को नहीं बताया। अपने अड़ोस पड़ोस, अपनी पुत्री या विद्यापति, किसी को नहीं बताया। अभी 2-4 दिन के बाद विद्यापति अपने राज्य अवंतीपुरी को जाने के लिए बात उठाई। अब विश्वावसु मन ही मन विचार करते हैं कि अचानक विद्यापति इस प्रकार महाराज इंद्रद्युम्न के पास लौट जाने का विचार क्यों बनाया। हो सकता है कि विद्यापति जाकर के महाराज इंद्रद्युम्न को नीलमाधव जी के विषय में सब कुछ खबर दे देगा और महाराज इंद्रद्युम्न जोर जबरदस्ती अपने सैन्य सामंत लेकर के नीलमाधव जी को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन भगवान नीलमाधव ने तो मुझे कहा है कि मैं महाराज इंद्रद्युम्न के वहाँ जाकर के भव्य राजसिक सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ, किंतु मैं नीलमाधव के बिना जीवन धारण नहीं कर सकता हूँ। कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं नीलमाधव के बिना मैं जीऊँगा। ऐसा चिंता करते करते विश्वावसु क्या निर्णय करते हैं कि मैं विद्यापति को मेरे यहाँ क्यों ना रोक लूँ। विद्यापति वहाँ इंद्रद्युम्न राजा के पास पहुँच ना पाए और ये खबर भी राजा के पास ना पहुँच पाए और मेरे ठाकुर मेरे पास ही रहे। ऐसा सोच करके उन्होंने विद्यापति को एक कमरे में बंदी बना लिया कि भैया अब तुम इस कमरे में रहो, तुम मेरे घर से बाहर नहीं जाओगे तो नीलमाधव जी का यहाँ होने का खबर भी किसी के पास नहीं जाएगा, और खबर ही नहीं जाएगा किसी के पास तो नीलमाधव जी तो यहीं पर ही, मैं जैसे नित्य सेवा करता हूँ ऐसे सेवा करता रहूँगा। ऐसा सोच करके उन्होंने विद्यापति को उस गांव में एक कमरे के अंदर में बंदी बना लिया। आगे का विषय कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।